हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये दोपहर का टाइम है, 3:15 बजे हैं और बस रेस्ट वेस्ट कर लिया है मैंने। अथक को भी मैगी बना के खिला दी है। तो बस अब सोचा कि कुछ जो भी काम दोपहर के होते हैं वो कर लूँ। तो अभी देखा होगा आपने, मैंने पुदीने मतलब साफ किए हैं, तो पुदीने की चटनी बनानी है मुझे, क्योंकि अथक 2-3 दिन से भेल की उसको मतलब मन में आ रहा है कि मैं भेल खा लूं कैसे। तो चटनियां नहीं थी मेरे पास, तो मैंने पुदीने मंगाए आज इनसे और अब मैं चटनी बनाऊंगी। नींबू नहीं है इसलिए मैं इसमें कैरी डाल दूंगी, तो थोड़ी खटाई बिना तो कोई भी चटनी अच्छी लगती नहीं है, तो कैरी डाल के बनाऊंगी। और जो छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ मैं आज आपको, ज्यादा ब्लॉग दिख गया, तो जो भी मैंने ये डंडियां निकाली हैं पुदीने की वो पानी में डाल दी हैं। पानी में डालने से ये होगा कि नरम बनी रहेंगी। और अभी तो बहुत धूप है, तो कल सुबह इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी, तो इनमें छोटी छोटी पत्तियां निकल के आ जाएंगी और ये हमें बहुत काम देती है। क्योंकि घर में अगर पुदीना होता है तो कभी भी दाल में डाल दिया, सब्जी में डाल दिया, तो अभी तो गर्मी बहुत है तो जल गया मेरा पुदीना। तो बहू भी क्या करती है कि ऊपर से लेके आ जाती है और कोई भी दाल सब्जी में डालती रहती है निकाल निकाल के। तो अभी मेरा पुदीना जल गया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको लगा लूंगी। तो कोई भी आपके पास बर्तन हो, किचन में हमारे पास बहुत ऐसे वेस्ट होते हैं, छबड़ियां भी होती हैं, जैसे ये छबड़ी है तो इसमें कपड़ा लगा दें, कोई भी कपड़ा लगा के मिट्टी डाल के, और इसमें आप पुदीना की डालियां हैं वो डाल सकती हैं या धनिया साबुत बो सकती है। तो धनिया पुदीने जरूर होने चाहिए घर में। तो इनको हम ऐसी जो बास्केट होती है उनमें लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए बाजार से भी आपके पास ज्यादा धनिया आ गया है, पुदीना आ गया है, तो उसकी चटनी बना के रखते हैं। जैसे पुदीना है, धनिया है, ज्यादा आ जाता है तो ये गलने भी लगता है वैसे, तो इसको न्यूज़पेपर में रखते हैं बांध के तो ये अच्छे पड़े रहते हैं। तो यदि पुदीना धनिया आपके पास ज्यादा आ गया है तो उन्हें हवा में बैठ के भी, आप जहां बैठी हैं पंखा चल रहा है वहां पे सुखा दीजिए। बाहर सुखाएंगे तो बाहर धूल मिट्टी बहुत आती है और वो खराब हो जाते हैं। या फिर धनिये और जो पुदीने उसको पीस के उनकी चटनी टाइप बना के, और आप जिसमें भी आइस जमाती हैं, आपकी जो ट्रे है फ्रिज की आइस जमाने की, उसमें इसको जमा के रखते, एक एक क्यूब है जो, वो आप अपनी दाल में डाल लें चाहे अपनी सब्जी में डाल लें, तो ये जरूर काम करें। इससे क्या है कि आपको आपका जो खाना है वो भी स्वादिष्ट बनेगा, दूसरा आपको बार बार बाजार से नहीं मंगाना पड़ेगा। एक बार में आज मुझे बहुत सारा पुदीना इन्होंने ला दिया है, तो अभी मैं चटनी बनाऊंगी भेल के लिए और फिर इसको सुखा दूंगी, कुछ तोड़ के सुखा दूंगी, धो के बिल्कुल साफ करके सुखा दूंगी। और दिन भर हमारे यहाँ भी सभी के घरों में पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है, तो उसमें ये सूख जाएंगी और सूखने के बाद इसे किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखते हैं, या आपके बहुत काम आएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ चटनी, और नींबू नहीं है मेरे पास इसलिए मैं इसमें कैरी की खटाई डाल रही हूँ। कोई भी चटनी खटाई के बिना नहीं बनती और अच्छी भी नहीं लगती है। तो भेल के लिए आप ऐसा करिए कि जब भी भेल आपको बनानी है, आप जो मुरमुरे होते हैं वो मंगा के रख लीजिए। आपकी कोई भी मतलब जेंट्स लोग भी बना सकते हैं, अगर आपका मूड नहीं है आप जेंट्स लोग से भी कह देंगे कि भेल बना दीजिए तो बना देगा। आपको बस चटनियां तैयार करके रखनी है, पुदीने की चटनी रख लीजिए, एक मीठी चटनी रख लीजिए, चाहे तो इमली से बना लीजिए, मैं ज्यादातर अमचूर से बना देती हूँ, अमचूर हमेशा मेरे पास रहता है, तो मैं अमचूर की चटनी बनाकर और मीठी चटनी, और गुड़ ना भी हो तो मैं चीनी डाल के बना, जो चीजें मेरे पास होती हैं उन्हीं चीजों से मैं अपनी कोई भी रेसिपी बना देती हूँ। कोई ज्यादा चीज लाने की जरूरत नहीं है। सब्जियां सबके घर होती हैं, आलू सबके घर होते हैं, और भुजिए जो होते हैं वो हम गोस्वामियों के घर तो जरूर होते हैं, और नहीं होते हैं तो हम मंगा लेते हैं। तो भेल इतने आराम से बनती है कि आप मुरमुरे को एक परात में डालें, चटनियां अगर बनी हुई हैं तो चटनियां आप बना के रखें, फ्रिज में रखते हैं, मीठी चटनी पुदीने की चटनी ये रखते हैं, भुजिए होते हैं तो बस जेंट्स को भुजिए कहाँ है ये मालूम होता ही है, तो भुजिए हैं, आलू उबाल के रख दें, छील के रखते हैं
और फ्रिज में रखते हैं, टमाटर होते ही हैं सबके घर में, तो ये चार पांच चीजों से भेल बनती है। मुरमुरे इकट्ठे कीजिए, उनको थोड़ा सा साफ कीजिए और उसके बाद उसमें आप आलू उबले हुए मिला दें काट के, टमाटर मिला सकते हैं, हरी मिर्च मिला सकते हैं, और फिर चटनियां होती है तो वो मिला दें, और उसके ऊपर आप अगर प्याज खाते हैं तो प्याज भी मिला दें, और फिर ये चटनियां डाल दें, जो मीठी चटनी डाल सकते हैं, अगर मीठी पसंद है तो मीठी चटनी डाल दीजिए या पुदीने की चटनी डाल दीजिए, आपकी भेल तैयार हो जाएगी। नींबू है तो नींबू का रस डाल दीजिए। तो मैं बस यही कर रही हूँ कि चटनियां बना के अभी रख दूंगी, शाम को बनाऊंगी, जब बेटी आएगी तो ये बन जाएगी। तो आपको ये वाली टिप्स कैसे लगे? एक टिप्स में बोल के ही बता रही हूँ कि जब भी आपका नमक है, पहले वाले टिप्स में मैंने बताया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे उन टिप्स को, तो उसमें मैंने बताया था कि लौंग डाल के रखें। तो एक टिप्स ये भी है कि छोटी सी पोटली कपड़े की बना लीजिए, उसमें चावल डाल दीजिए, जो चावल हम बनाते हैं उन चावलों को, बिना बने चावलों को उस पोटली में डाल के और नमक में डाल दीजिए, आपका नमक सीलेगा नहीं कभी भी। तो इस तरह से मैंने ये दो तीन टिप्स आपको बताई। एक तो आपको पुदीना की चटनी बना के, और जो मतलब क्यूब बना के रखने हैं इसके, उसमें आप कोई मसाला ना डालें, वैसे ही क्यूब बना पीस के चटनी को, और फिर जो आइस की ट्रे है उसमें डाल के, धनिया है ये है, या फिर आपका अदरक है, अदरक का भी आप अदरक को भी कस के या उसकी चटनी सी बना के उसके भी आप ना उसको जमा दें, मतलब जो आइस ट्रे है आपकी उसमें जमा दें। तो ये तीन चार चीजें बहुत काम आएगी। टमाटर को भी आप जमा के रख सकती हैं, उसकी भी प्यूरी बना दें, प्यूरी बना के आप ट्रे में जमा दें उसको, तो वो भी बड़ी रहेगी। जब भी आपको टमाटर यूज करना हो तो आप कर सकती है, वैसे उसकी प्यूरी पूरी बना के छोंक के फिर भी रख सकती हैं, तो वो भी खराब नहीं होती है, प्यूरी 7 दिन तक खराब नहीं होती है टमाटर की, तो आप टमाटर की प्यूरी भी बना के रख सकती है। होटलों में यही होता है, टमाटर की प्यूरी बना के रख दी जाती है, जब भी कोई ग्राहक आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसी प्यूरी में पनीर डाल देते हैं, चाहे जो भी मटर पनीर बनाना, जो भी बनाना होता है होटल वालों को, जो लोग मांगते हैं वो चीज बना देते हैं, तो प्यूरी बना के रखते हैं। तो आप भी प्यूरी बना के रख सकते हैं, इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपके जो टमाटर वगैरह हैं वो खराब भी नहीं होंगे, नहीं तो फ्रिज में भी ज्यादा तादाद में अगर आ जाते हैं तो वो खराब होने लगते हैं। तो आप प्यूरी बना के, हर चीज की प्यूरी बना के रख लीजिए, आपको खाना बनाने में बहुत आराम होगा। तो मैं बनाती हूँ चटनी पुदीने की। तो पुदीने धो लिए मैंने अच्छी तरह से, पहले मैंने साफ कर लिए थे पर इसको फिर दोबारा धो लिए, और इसमें मैंने कैरी डाल दी है थोड़ी सी काट के, और अब मसाले डाल दूंगी। आप जिस भी तरह की खाते हैं, चटपटी खाते हैं तो चटपटी बनाए। ये धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया, मिर्ची डाल रही हूँ और थोड़ा सा जीरा भी डाल रही हूँ, और हींग डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस दूंगी, तो ये चटनी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये चटनी बनके तैयार है। तो ये चटनी तैयार है, और भेल के लिए थोड़ी पतली चटनी बनाई है मैंने, थोड़ी और भी पतली इसको कर सकते हैं। तो बस तैयार चटनियां रखिए, आपकी भेल फटाफट तैयार हो जाएगी। चटनी तैयार होनी जरूरी है, जब तक चटनी नहीं होगी तो भेल नहीं बनेगी आपकी। तो ये छोटी छोटी तैयारियां आप दोपहर के समय में कर सकती हैं या रात के समय में कर सकती हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप रात को तैयारियां ये करके रख सकती हैं, सुबह किसी को खाना है या संडे के दिन खाना हो तो ये खा सकती हैं, बना के बस तैयारी होनी चाहिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी